नमस्कार दोस्तों, वनिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। वेस्टइंडीज़ और बांग्लादेश के बीच टी20 विश्व कप के एक धमाकेदार मुकाबले में वेस्टइंडीज़ ने आखिरी गेंद पर 3 रनों से मैच जीतकर सुपर 12 राउंड में पहली जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखा है। दूसरी ओर लगातार 3 हार के बाद बांग्लादेश का सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जीत के हीरो रहे निकोलस पुरन, जिन्होंने तेजी से 40 रन बनाए, जिसके कारण वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 142 रन तक पहुंच गई। इस मैच में एक कमाल की घटना घटी, जिसको लेकर ICC ने भी ट्वीट करते हुए वीडियो शेयर किया है। दरअसल वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो की गेंदबाजी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी खूब चर्चा हो रही है। मतलब ब्रावो के एक गेंद पर 10 रन बने थे। हुआ यूं कि बांग्लादेश की पारी के 12वें ओवर में ब्रावो गेंदबाजी करने आए। 12वें ओवर की पहली गेंद जो उन्होंने वाइड फेंकी, उसे विकेटकीपर नहीं पकड़ पाए और गेंद चौके के लिए चली गई, जिसके कारण बिना गेंद काउंट हुए 5 रन बन गए थे। इसकी अगली गेंद पर लिटन दास ने पुल शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया, यानी कि एक गेंद पर 9 रन बन गए और इसके बाद ब्रावो ने फिर वाइड फेंक दी, जिसके कारण एक गेंद पर ही उन्होंने 10 रन दे दिए। ICC ने इस वीडियो को शेयर किया और कैप्शन में लिखा, एक गेंद और 10 रन ओवर से। वैसे बांग्लादेश ने इस पूरे ओवर में कुल 15 रन बटोरे थे। लगातार तीसरी बार पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई करीबियाई टीम ने सुपर 12 चरण के करो या मरो के मुकाबले में 7 विकेट पर 142 रन बनाए। उसके नामी गिरामी बल्लेबाजों ने हालांकि एक बार फिर से निराश किया था। निकोलस पुरन ने आखिरी ओवर में अकेले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों पर 40 रन बनाए। उन्होंने 4 छक्के और 1 चौका जड़कर वेस्टइंडीज को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। इसके बाद बांग्लादेश की टीम के लिए लिटन दास ने कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन बांग्लादेश 3 रन से मैच गवा बैठी। जी हाँ, बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 139 रन ही बना सकी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।